तो अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास हर एक बॉक्स का किस तरीके से उसका एक एरिया होता है और कितनी वो स्पेस लेता है और किस तरीके से हम उसको स्टाइल कर सकते हैं किस तरीके और कौन कौन से सिलेक्टर्स होते हैं ये भी इसी वीडियो में देखते हैं। तो हमारे पास जैसे ये H1 है, H1 का अगर मैं देखता हूँ बॉर्डर तो हर एलिमेंट कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता रहेगा। H1 का ये आ गया, इतना आ गया। अभी जो हमारा साइज़ है उसके हिसाब से ये एक बॉक्स के अंदर है, ये एक कंटेनर है, ये भी एक कंटेनर है। तो अब हम करते हैं कुछ अलग सिलेक्टर्स पे बात करते हैं। सिलेक्टर्स क्या होते हैं? हमारे पास सिलेक्टर्स होते हैं, जैसे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, मैंने यहाँ पर ये एम टी आ गई, एक मैंने पी इसके अंदर दे दिया, मैंने लॉरेम 10 वर्ड्स का एक वाक्य क्लास दे दी और क्लास दे दी मैंने फर्स्ट फर्स्ट पैरा। अब इसको कॉपी किया, पेस्ट कर दिया, इसको मैंने कर दिया सेकेंड पैरा। लेकिन अब मैं यहाँ क्लास नहीं, यहाँ पर मैं आईडी दे रहा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ कि होते क्या हैं, किस तरीके से काम करते हैं। ये हमने पहले फर्स्ट पैरा दे दिया, फिर सेकेंड पैरा दे दिया इसको। अब जब भी मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, इसको पता कैसे चलेगा कि ये इसी के ऊपर स्टाइल करना है? क्योंकि अगर मैं पी को करता हूँ, मिसाल के तौर पर मैंने ये पी है, मैंने जैसे हम पहले पी ले रहे थे सेम, यहाँ पर आ गए, यहाँ पर कर दिया, मैं इसको कम कर देता हूँ थोड़ा, 22px कर देता हूँ और कलर ये रख लेता हूँ। अब ये क्या करेगा, रिफ्रेश किया, इसने दोनों पी को ले लिया, जबकि मुझे स्टाइल जो करना है सिर्फ पहले वाले को करना है, दूसरे वाले को नहीं करना। तो उसके लिए यूज़ करते हैं हम क्लास या आईडी। तो इसको मैंने क्लास दी फर्स्ट पैरा। इसको सिलेक्ट कैसे करेंगे? क्लास के लिए हमेशा जो करने सेलेक्ट करने का तरीक़ेकार जो होता है वो होता है डॉट डॉट क्लास नेम, और हमने कर दिया फर्स्ट पैरा। अब इसमें मैं कोई भी स्टाइल दूंगा उसमें अप्लाई होगा। मैंने कर दिया COLOR कलर, इसका ब्लू, फॉन्ट साइज 233px। अब देखते हैं क्या ये दोनों के ऊपर अप्लाई कर रहा है या एक के ऊपर। ठीक है, जो इन द सेकेंड वाला है वो नॉर्मल ही है और जो फर्स्ट वाला है उसने उसको चेंज कर दिया, क्योंकि मुझे सिर्फ फर्स्ट वाले को ही चेंज करना था। अब इसी तरीके से ये क्लास आ गई, मुझे एक और क्लास करनी है, यहाँ पर मैंने कर दिया ये क्लास ही थर्ड पैरा। अब मुझे सेम स्टाइल इसको भी देना है, सेम स्टाइल इसको भी देना है। यहाँ कुछ भी हो सकता है, पैरा की जगह हेडिंग भी हो सकती है और जो भी हम करना है। तो लेकिन इसकी क्लास अलग है, क्योंकि हम अगर जावास्क्रिप्ट वगैरह में भी यूज़ करते हैं और इसकी ज़रूरत पड़ती है कहीं, तो हम कहीं ना कहीं क्लास या आईडी चेंज कर देते हैं। हमने इसकी क्लास अलग कर दी। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर अगर मुझे सेम स्टाइल देना है तो मुझे बार बार थर्ड, यहाँ ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं यहाँ थर्ड पैरा लिखूँ फिर उसके बाद स्टाइल कर दूँ। मुझे सेम स्टाइलिंग करनी है कि मुझे इसके ऊपर और फर्स्ट पैरा और थर्ड पैरा के ऊपर सेम स्टाइल चाहिए। तो मैंने कॉमा करके लिख दिया, ये हो गया हमारे पास। अब एक चीज़ और कि क्लास जो होती हैं आपके पास मल्टीपल हो सकती हैं, आइडिया आपके पास एक हो सकती है। जैसे मैंने यहाँ क्लास दी, ये फर्स्ट पैरा है, इसके साथ मैंने इस तरह फर्स्ट पैरा ये लिखा है, आप मैंने 1 लिख दिया, तो ये इसकी क्लास लेगा या ये इसकी क्लास लेगा। कौन सी क्लास ले रहा है,
एक ही क्लास के अंदर वो देखते हैं। इतने सेकंड वाली ली, सेकंड वाली इसलिए ली उसने कि ये जो हमारे पास फर्स्ट पैरा थी उसने इसको अपडेट कर दिया इससे, इस क्लास से। अब मैं चाह रहा हूँ कि मुझे ये याली नहीं चाहिए क्लास, यही वाली चाहिए। वो कंडीशन है कि मैंने उसको वहाँ पर यूज़ की हुई है इसको, लेकिन मुझे अभी सिर्फ यही वाली चाहिए। जैसे हम डे नाइट वगैरह की करेंगे आगे के टूगल वगैरह जो करते हैं, तो उसमें कुछ ऐसा होता है कि डे भी होती है नाइट भी होती है, अलग अलग बना के हम रख देते हैं क्लास। तो उसके लिए क्या होगी, मेरे पास एक कीवर्ड होता है इम्पोर्टेंट, मैं शिफ्ट वन दबाऊँगा इम्पोर्टेंट, और कि मुझे वो वाली क्लास नहीं, मुझे यही वाली क्लास चाहिए। फिर यही क्लास नहीं चलेगी, सिर्फ यही वाली क्लास चलेगी। लेकिन इसने सेकंड वाली क्लास को जो अपडेट हो रही है, जबकि उसने उसको नहीं लिया, सिर्फ और सिर्फ जाली क्लास ली है, जबकि ये यहाँ पर हो गई याली चल, ये चली थी, लेकिन इसने इसकी प्रायोरिटी को हाई कर दिया कि दोनों को इम्पोर्टेंट कर दिया। ये तो हमारे पास क्लास की बात। अब बात करते हैं हम आईडी की, सेकंड पैरा लिया हमने। अब आईडी को कैसे सिलेक्ट करें, हम आईडी को सिलेक्ट करते हैं हैश से, हैश आईडी जो है हमारे पास सेम कर दिया हमने। इसके अंदर मैं क्या करूँगा, कलर इज इक्वल टू ग्रीन, इसने आईडी को कहाँ से कैसे सिलेक्ट किया, हैश से सिलेक्ट कर लिया, हैश से सिलेक्ट कर लिया। अब और कौन से सिलेक्टर होते हैं हमारे पास, अब ये हमारे पास क्लास हो गई है, पैराग्राफ हो गया। इससे पहले हमने देखा था टाइप, टाइप जैसे कि ये मैंने ले ली पीली, ये टाइप है। और उसके बाद मैंने एक लिया H1 लिया था, ये मैं H2 ले लेता हूँ, H2 में लिख लिया वर्ल्ड CSS। अब मैं इसको इसको टाइप से करूँगा, क्लास वगैरह भी हो सकती है। मैंने इसको टाइप ली, कलर इज इक्वल टू कर दिया, बैकग्राउंड कलर इज इक्वल टू कुछ नंबर में सा दे देते हैं। देखिए ये टाइप सिलेक्टर हो गया। अब इसके बाद हमारे पास एक सिलेक्टर होता है, चाइल्ड सिलेक्टर होता है, और उसके अलावा होता है एडजेसेंट होता है, डिसेंड होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं चाइल्ड सिलेक्टर क्या होता है। जैसे हमारे पास ये पी है, अब पी के अंदर जितने भी चाइल्ड्स होंगे, जैसे पी आई जी हमारे पास, पी के अंदर मैंने कर लिया एक एंकर का टैग बनाया, यहाँ पर ABC के ऊपर ये स्टाइल हुआ है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि इसके ऊपर स्टाइल हो। तो मैं क्या करूँगा, सीधा सीधा इसको उसके पेरेंट से, पी जिसका पेरेंट है और जो चाइल्ड है वो A है। अब उसके अंदर जो चाइल्ड है उसका चेंज कर दो, कलर कर दो उसको, डार्क कलर कर दो कोई, और उसका फॉन्ट साइज भी इंक्रीज कर दो, फॉन्ट साइज 50px। रिफ्रेश किया तो देखें ये इसका पेरेंट है और इसके अंदर जितने भी चाइल्ड्स हैं इसने इसको कंसिडर कर लिया। ये तो क्या हमारे पास चाइल्ड। अब एक और होता है हमारे पास जैसे सेलेक्टर है, ये H2 है। अब मैं यहाँ बना रहा हूँ पैराग्राफ, पैराग्राफ का साइन बना लिया मैंने, टाइप टैग बना लिया, लॉरेन 20 कर दिया मैंने इसको। मैंने पी का टैग बनाया और इसका H2 का टैग लिया। अब मैं एक चीज कर रहा हूँ कि यहाँ पर मैंने एडजेसेंट सेलेक्टर यूज कर रहा हूँ, वो क्या होता है, मैंने किया H2 प्लस पी, इसका मतलब ये हुआ H2 के नीचे के बाद, H2 के बाद जो पी है हमारे पास, कोई और एलिमेंट नहीं सिर्फ पी, उसको कलर और उसके ऊपर स्टाइल कर दो। मैंने पहले कर दिया उसका नेवी, फॉन्ट साइज
40 पिक्सल फॉन्ट स्टाइल इटैलिक कर लो। ये हो गया हमारे पास। एडजस्टमेंट सेलेक्टर, नेक्स्ट है हमारे पास जनरल सेलेक्टर। जनरल सेलेक्टर क्या करेगा और कैसे यूज होता है, जैसे मैंने किया H2, हमने H2 किया। अब H2 के बाद अगर जितने भी ये पी के ये हैं सिबलिंग्स हैं तो उन सबके ऊपर स्टाइल दे दो। H2 दिया, अब इसको यूज करने का तरीका होता है H2 शिफ्ट, ये बैकटिक आ गया हमारे पास और पी लेने मुझे, ये मैंने ले लिया इसके। अगर इसके सिबलिंग्स होंगे तो ये काम करेगा। कलर इज इक्वल टू रेड कर दो और बैकग्राउंड सबके चेंज कर दो, एक पर कर दो। क्या यहाँ पर H2 का टैग था, H2 के बाद ये भी एक पी था, ये पी था और ये भी थे, तो इसने जितने भी इसके पी थे, इसके सिबलिंग्स थे उसके बाद के, उसको इसने चेंज कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास जनरल, ये जनरल था हमारे पास, हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास यूनिवर्सल सेलेक्टर। यूनिवर्सल सेलेक्टर के लिए जैसे हम यूज़ करते हैं, ये हम स्टार्ट नहीं करते, सबसे पहले हम यूनिवर्सल ही करते हैं इस तरीके से, जैसे हमने ये किया और इस तरीके से स्टैटिक किया, स्टैटिक और वो ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज कर दिया। अब यहाँ पर मैं जो भी स्टाइल दूंगा ये मेरे पूरे पेज के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। बैकग्राउंड कलर इज इक्वल टू मैंने कर दिया वाइट, ने वेट कर दिया और उन सबका जो कलर होगा, जो फॉन्ट कलर होगा, सबको मैंने कह दिया कि ब्लैक होना चाहिए। देखो चेक कर दिए, ये जनरल है हमारे पास, अब सॉरी यूनिवर्सल है। एक चीज आपने देखी, इन सबके कलर जिसने भी हैं इन सबके चेंज हो गए जहाँ जहाँ हमने यूज़ किया हुआ था। ये इसलिए चेंज नहीं हुआ, ये हमने अपडेट किया हुआ था और इसके ऊपर भी इम्पोर्टेंट कहीं ना कहीं लगा हुआ है। अगर मैं इसको इस इम्पोर्टेंट को हटा देता हूँ, इसकी प्रायोरिटी हाई हो रही थी और अब करता हूँ तो ये भी हमारे पास सही हो गया बिल्कुल। तो ये हमारे पास यूनिवर्सल था, हमने चाइल्ड देखा और चाइल्ड देखा, जनरल देखा, यूनिवर्सल देखा।